दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ मुन्ना जी हैं, कार मैकेनिक हैं, दिखाइए। और इनकी मौज है भाई साहब, बिल्कुल मौज है, क्योंकि सड़कों पर गड्ढे हैं और हमेशा लोगों की गाड़ियां डैमेज होती रहती हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मौज है आपकी भाई साहब? अरे मौज तो है, गड्ढे ही गड्ढे। देखिए रोड पर आपके सामने तो गड्ढे ही गड्ढे हैं और 3 साल से गड्ढे हैं भाई साहब, खूब मौज कूट रहे हो। गाड़ियां डैमेज आपके पास आती हैं और माल कमा रहे हो आप भाई साहब? माल तो कमा रहे हैं लेकिन पब्लिक तो बहुत परेशान है ना। परेशान तो है लेकिन आपका काम तो चलना चाहिए, नेताओं ने आपका काम आसान कर दिया। डेली कोई ना कोई बेचारा गिरा पड़ा होता है, कोई लड़की गिरी हुई है, कोई आदमी गिरा हुआ है, किसी की गाड़ी गिरी पड़ी है, ये रोज का बुरा हाल है। कह कह के लोगों को लेकिन कोई सुनवाई नहीं। परसों एक लड़की गिरी है, बड़ा मुश्किल से उसको उठाया है, सारा उसका आगे का चुमटा ही टूट गया। अच्छा, स्कूटी का। अच्छा, अब वो बेचारी गिरी, पता नहीं क्या हुआ, उसको ले गई पब्लिक। गाड़ियों में किस तरह के काम आपके पास आते हैं? अब सस्पेंशन सारे टूटे पड़े हैं गाड़ियों के, चुमटे। कहना है गड्ढों की वजह से किसी का चिमटा टूट गया, किसी का बम्पर टूट गया और किसी का आगे का शील्ड टूट गया, एसी टूट गया, यही सब काम आते हैं। लेकिन नेताओं ने आपकी मौज कर दी भाई, मौज कर दी। देखो नेताओं की मौज है, आपकी मौज है। हमारी कहाँ से, इतने गड्ढे होंगे आपके पास उतना ज्यादा काम आएगा। ये सील टूट जाती है हर हफ्ते, इतने बड़े खड्डे हैं तो सील तो टूटेगी। हाँ जी, चलो गड्ढों की वजह से इनकी भाई साहब की मौज आ गई है और नेता लोगों ने जो है इनकी मौज कर दी है। फरीदाबाद में गड्ढे ही गड्ढे हैं।